आजकल हजारों मोटिवेटर्स YouTube पर लाखों लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मगर उनके इस मोटिवेशन का जो प्रभाव है वो बहुत दूरगामी नहीं होता। या तो ये प्रभाव कुछ दिनों में खत्म हो जाता है या कुछ हफ्तों में खत्म हो जाता है। हम ऐसा मोटिवेशन कहां से लाएं जिसका प्रभाव बहुत समय तक या ये कहो कि हमेशा बना रहे। तो ऐसे एक मोटिवेटर की तलाश करते हैं जिसका प्रभाव कभी खत्म ना हो। और ऐसे मोटिवेटर्स में जो सबसे पहला नाम है वो कृष्ण का है, और उनके वचनों का जो संकलन है श्रीमद् भागवत, वो शायद उसके बारे में कहा जाता है कि वो ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और सबसे कम समझी जाती है। मतलब कृष्ण को समझने के लिए एक बहुत ज्ञानी व्यक्तित्व चाहिए। मैंने जो भी कृष्ण को समझा है वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, शायद हमें रियल मोटिवेशन मिल जाए। श्रीमद् भागवत का जो प्रारंभ हुआ, पहले उस प्रारंभ को ही समझा जाए कि क्यों और किस स्थिति में कृष्ण ने उन वचनों को बोलना शुरू किया। कुछ बातें बड़ी अजीब लगती हैं। श्रीमद् भागवत पर जो भी चर्चा होती है या जो भी संत महंत बोलते हैं, उनको सुनने के लिए हजारों की भीड़ आती है, परंतु कृष्ण ने गीता के वचन सिर्फ अर्जुन को समझाए। ऐसा नहीं था कि कृष्ण अर्जुन के साथ वन में अकेले थे या अलग किसी महल में एकांत में बैठे थे। जब उन्होंने ये वचन दिए तो एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी थी। महाभारत के महायुद्ध का प्रारंभ होने जा रहा था, सामने कौरवों की सेनाएं थी, इधर पांडवों की सेनाएं थी, फिर भी कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को क्यों समझाया? हो सकता है कि अगर कृष्ण और अर्जुन एकांत में रहते तो लोगों को बुलाने में समय लगता, मगर यहां तो सामने कौरवों की सेना है, पीछे पांडवों की सेना है, तो सिर्फ अर्जुन को ही क्यों समझाया? कौरवों की सेना को बुला लेते कि आओ मैं कुछ अद्भुत वचन सुनाने जा रहा हूं। चलो माना कौरव उतने ज्ञानी नहीं थे, पांडवों की सेना को ही बुला लेते, वो तो साथ में ही खड़ी थी, उनको भी नहीं बुलाया। चलो पांडवों की सेना को ना बुलाते, पांच पांडवों को ही बुला लेते, वो तो पास में ही खड़े होंगे। चलो पांच पांडव भी उतने ज्ञानी नहीं थे, कम से कम युधिष्ठिर को तो बुला लेते, वो तो धर्मराज थे। यदि गीता में धर्म जैसा कुछ होता तो सबसे पहले तो धर्मराज को बुलाना चाहिए, आओ धर्मराज मैं कुछ धर्म की बातें कर रहा हूं। नहीं, केवल अर्जुन को प्रत्यक्ष रूप से, एक परोक्ष रूप से भी है, टेलीपैथी के जरिए संजय ने देखा, फिर अंधे धृतराष्ट्र ने उसको सुना,
तो ये परोक्ष रूप से धृतराष्ट्र ने भी उसको सुना, मगर प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ अर्जुन को समझाया गया। तो कुछ बातें बहुत गहरी हैं जो समझ लेनी जरूरी है। ठीक है, पहली बात, कृष्ण शब्द का जो अर्थ होता है वो ब्लैक, ब्लैक मतलब ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी अगर तुमने पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान में, ब्लैक बॉडी जितने भी रेडिएशन है उन सबको एब्सॉर्ब कर लेती है, और ऑब्वियसली ब्लैक बॉडी अपने अंदर से सारे रेडिएशंस निकालती है। इसका मतलब कुछ तुलनात्मक है। यह हमारे पुराने ग्रंथ बहुत गहरे हैं, इनकी रचना कुछ इस तरह से की गई है कि सामान्य व्यक्ति उनको कथा कहानी की तरह ले और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उससे कुछ तथ्यों को निकाल ले। तो कृष्ण नाम में ही एक बहुत गहन तथ्य छुपा हुआ है कि कृष्ण से, ब्लैक बॉडी से सारे तरह के रेडिएशन निकलते हैं, यानी जो ज्ञान का स्रोत है वो ब्लैक बॉडी। अगर तुम थोड़ा सा कभी आंखें बंद करोगे, अपने भीतर झांकने की कोशिश करोगे, तो इसी तरह की ब्लैक बॉडी तुम्हें मिलेगी, जहां से सारा ज्ञान निकल सकता है। तो इस परिपेक्ष में कृष्ण का यह अर्थ हुआ कि कृष्ण से संपूर्ण ज्ञान निकल रहा है। दूसरी बात, इस युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, मतलब उनका रथ हांक रहे थे। हमारे पुराने ग्रंथों में अक्सर शरीर की तुलना रथ से की गई है, मतलब ये सिंबॉलिक यूज है। ये जो रथ है जिसके कृष्ण सारथी हैं, जिसको अर्जुन चला रहा है, ये तुम्हारा शरीर है, और तुम्हारे शरीर के अंदर ही कृष्ण और अर्जुन हैं। इसको तुम कभी भी अनुभव कर सकते हो। हम हमेशा दो व्यक्तित्वों में, दो पर्सनालिटी में डिवाइड रहते हैं। एक पर्सनालिटी हमारी सारथी की तरह होती है, चुपचाप बैठी रहती है, और जब जिस समय उसको बोलने की आवश्यकता पड़ती है तब बोलती है। तो कृष्ण जो ज्ञान का स्रोत है वो हमारे शरीर रूपी रथ के सारथी हैं, मतलब हमेशा साथ रहते हैं। और सारथी बहुत ज्यादा बोलता नहीं है, सारथी रथ को हांकता है, सारथी रथ के पहिए को चलाता है, और रथ के पहिए क्या है, और चुपचाप चलाता है। तुम्हारे रथ के पहिए श्वास, वो सारथी श्वास चला रहा है, वो सारथी तुम्हारी धड़कन चला रहा है, तुम्हारा तुम्हारी सांसों को चलाने में, तुम्हारी धड़कन को चलाने में, तुम्हारे मेटाबॉलिक सिस्टम को चलाने में, तुम्हारे शरीर को चलाने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, वो सारथी है, वो चला रहा है, वो तुम्हारे शरीर रूपी रथ को हांक रहा है, और तुम हो अर्जुन। ठीक, तुम हो अर्जुन। अर्जुन शब्द का मतलब भी समझ लो, अर्जुन शब्द ऋजु से बना है,
अ रिजु। रिजु का मतलब हिंदी में होता है सरल रेखा, सीधी रेखा। तो अर्जुन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अरिजु है, जो सरल रेखा नहीं है, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जो कंफ्यूज्ड है कि क्या करे क्या ना करे, क्या सही है क्या गलत है। तो अर्जुन तुम हो, तुम हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हो कि ये करूं ये ना करूं, और जो काम करते हो उसमें डिमोरलाइज हो जाते हो कि नहीं कर पाया है। तो अर्जुन हो तुम कृष्ण, जिससे संपूर्ण ज्ञान का स्रोत निकलता है, वो तुम्हारा सारथी है। इसका अर्थ यह है कि जो रियल मोटिवेटर है वो हमेशा तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे साथ है। तो जब भी रियल मोटिवेशन की बात आती है, तुम्हें इस सारथी पर ही भरोसा करना चाहिए। इस सारथी का हमें पता कैसे लगेगा? कि ये हमारे साथ है नहीं है? तो जीवन के बहुत थोड़े थोड़े अनुभव हैं, किसी भी अनुभव में उतर जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी तरह का काम करो, सामान्य कामों में उस सारथी की आवाज बहुत धीमी होती है, क्योंकि सारथी की जब आवश्यकता नहीं है तो सारथी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। तुम्हें थोड़े बहुत काम करने हैं, छोटे मोटे काम करने हैं, सारथी की आवाज आती है, तुम सोचते हो कि ये करूं ना करूं, छोटा मोटा काम, होमवर्क पूरा करूं या ना करूं, तो सारथी की आवाज धीमे से आती है, कर ले यार, मगर तुम दबा देते हो। सारथी भी बहुत ज्यादा जोर नहीं मारता, सारथी कहता ठीक है कल कर लेना। तो छोटे मोटे कामों में सारथी उतना काम नहीं करता, मगर कोई बड़ा काम करने जाओगे, चाहे वो गलत काम हो या सही काम हो, तो सारथी की आवाज बहुत तीव्र गति से आती है। जैसे तुम कोई चोरी करने जाओ, सारथी बोलता है नहीं 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 नहीं, तब उसकी आवाज बहुत तीव्र होती है। और इन अर्थों में गीता का जो प्रारंभ है, कृष्ण के शब्दों का प्रारंभ, वो समझने वाला है। अर्जुन एक महाकर्म करने जा रहा था, युद्ध, और मनुष्य के इतिहास में या भविष्य में भी युद्ध से बड़ा कोई कर्म नहीं हो सकता। अगर इस धरती का विनाश होगा या विनाश होने की संभावनाएं हैं, तो युद्ध में होती है, और मानव जाति ने बहुत सारे युद्ध लड़े। सघन कर्म का जो उदाहरण है वो युद्ध है। वास्तव में महाभारत हुई हो ना हुई हो, क्योंकि अब वो हमारे सामने तो है नहीं, वो सब इतिहास की बातें हैं, हुई होंगी नहीं हुई होंगी वो एक अलग विषय है, मगर जिस साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, जिस साइकोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य में उस सारथी को लिया गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी युद्ध की घटना से सघन कोई घटना नहीं हो सकती, तो वहां पर उस अर्जुन का सिंबल लिया गया है। तो अर्जुन युद्ध करने जा रहा है, और तब वो सारथी एक्टिवेट हो गया, तब उसको समझाने लगा है कि तुम करो ना करो, उसको मोटिवेट करने लग गया। तो यहां से मैं तुम्हें गीता पे कोई प्रवचन नहीं दे रहा, मैं खाली एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूं कि जैसे ही तुम किसी
ऐसे कर्म को करने जाओगे, चाहे वो कोई भी कर्म हो, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें तुम्हारी सारी ऊर्जा लगनी है, जिस जो कर्म तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा, उस कर्म को करने में तुम्हारा सारथी एक्टिवेट हो जाएगा, वो सारथी उस समय होगा। भरोसा रखो, वो सारथी उस समय होगा और तुम्हें सही क्या है और गलत क्या है ये बताएगा। तो जीवन में जो भी सही या गलत करना है, या जीवन में कौन सी राह चुननी है, या किस पथ पे जाना है, या भविष्य में क्या करना है, या हम क्या करें, या छात्रों की बात करें तो हम IIT करें, नीट करें, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, म्यूजिशियन बने, क्या बने, ये तुम्हें तुम्हारा सारथी बताएगा। मगर सारथी तब तक नहीं बताएगा जब तक तुम गहन कर्म में प्रवेश नहीं करोगे। अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या विज्ञान को लेके कुछ भी बनना है, तो तुम्हें विज्ञान गणित के गहन कर्म में प्रवेश करना होगा, उसको बहुत गहनता से करना होगा, उसमें अपनी सारी एनर्जी लगानी होगी, उसमें किसी भी तरह की चीटिंग नहीं करनी होगी, तब वो सारथी तुम्हारा साथ देगा। तो जो लोग बहुत ईमानदारी से गहन कर्म में प्रवेश करते हैं, उनके जीवन में इस तरह का सारथी एक्टिवेट हो जाता है, और वही सारथी रियल मोटिवेशन देगा। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि जो वास्तविक मोटिवेशन है वो तुम्हारे भीतर से आएगा, बाहर से नहीं। बाहर से जो मोटिवेशन आता है वो फिर तुम्हें गलत रास्तों में ले जाता है। इसका भी उदाहरण है महाभारत में, इसका भी उदाहरण है शकुनी मामा और दुर्योधन। दुर्योधन इतना बुरा व्यक्तित्व नहीं है, उसका कर्ण जैसा मित्र है, और जिस व्यक्ति के मित्र अच्छे होते हैं वो व्यक्ति अच्छा होता है। अपने कॉम्पिटिटर्स से तो सभी नफरत करते हैं। दुर्योधन पांडवों का कॉम्पिटिटर था तो एक द्वेष था उसके दिमाग में, मगर वो बुरा व्यक्तित्व नहीं था। उसको बुरा व्यक्तित्व बनाने में जो हाथ है वो शकुनी मामा का है। लगे रहो भांजे, भांजे IIT कर लो, भांजे साइंटिस्ट बन जाओ। अब भांजे में उस तरह का कोई टैलेंट है नहीं, भांजे का टैलेंट तो कुछ और है, मगर मामा उसको मोटिवेट कर रहे हैं। ये मैं शकुनी मामा और दुर्योधन की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम्हारे चारों तरफ इस तरह के शकुनी, पहले तो एक ही शकुनी मामा था, तुम्हारे चारों तरफ इस तरह के शकुनी मामा भरे पड़े हैं। जो तुम्हें गलत दिशाओं में मोटिवेट कर रहे हैं। तो अगर मोटिवेशन तुम्हारे भीतर से आता है तो वास्तविक मोटिवेशन है, और जो भी मोटिवेशन बाहर से दिया जाता है वो सब आर्टिफिशियल स्यूडो मोटिवेशन है, छदम मोटिवेशन है। और ऐसा मोटिवेशन है जो अगर पुराने समय में होता, मान लो अर्जुन धनुर्धर था, तो अर्जुन से मोटिवेट भीम भी होता कि भाई तो धनुर्विद्या सीख रहा है तो मैं भी धनुर्विद्या सीखता हूं, तो पांचों पांडव धनुर्विद्या में प्रवीण होते,
मगर ऐसा नहीं हुआ, भीम तो गदा चलाता था। या अर्जुन भी कहता कि भाई तो गदा चलाते हैं तो मैं भी गदा चलाऊंगा। तो ये बाहर के मोटिवेटर्स, मतलब ये सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है। दुर्योधन दुर्योधन इसलिए बना कि उसको गलत मोटिवेटर मिल गया। गलत मोटिवेटर मतलब नहीं कहते, बाहर से जो भी मोटिवेटर होगा वो सब गलत होगा। बाहर से कोई भी तुम्हें मोटिवेट करता है वो सब शकुनी मामा है, लगे रहो भांजे। तो करना क्या है, जो भी अपना टैलेंट है उसको पहचानो और उस टैलेंट से सघन कर्म में उतरो। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको यह ना पता हो कि उसको करना क्या है। अगर तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हें क्या करना है तो पहले यह पता करो कि तुम्हें क्या करना है। उसके लिए भीतर जाओ। कोई भी व्यक्ति अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। मेरी क्या प्रतिभा है वो भले ही किसी को ना पता हो, मुझ में क्या टैलेंट है ये दूसरों को ना पता हो, मगर मुझे पता होगा, ये तुम्हें पता होगा, ये तुम थोड़ा सा भी भीतर जाओगे तुम्हें पता होगा। और अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो बहुत मुश्किल स्थिति है कि कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो सबसे पहले इन शकुनी मामाओं को दूर करो, अपने भीतर जाओ और पता करो तुम्हें रियल टैलेंट क्या है। हो सकता है तुम्हें म्यूजिशियन का टैलेंट हो सकता है तुम्हें बिजनेस करने का टैलेंट हो, कोई भी टैलेंट हो सकता है, मगर उसका पता तुम्हें ही करना है। ये शकुनी मामाओं पे भरोसा ना करो, ये मरवाएंगे तुम्हें। और अर्जुन को धनुर्धर बनना था, ये कृष्ण ने नहीं बोला था। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अर्जुन धनुर्विद्या सीखो। तो वो तो अर्जुन ने अपने खुद के अंदर जाके तब डिसाइड किया। हां, जब अर्जुन उस धनुर्विद्या से संबंधित सघन कर्म युद्ध में उतरा तब वो सारथी उसके साथ था। तो अपने भीतर के, अपने भीतर छुपे अर्जुन को पहचानो और सघन कर्म में उतरो, वो सारथी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कृष्ण कोई ऐसा बाहर भगवान नहीं है, कृष्ण तुम्हारे भीतर है। इसीलिए जब हम थोड़ी सी कृष्ण कृष्ण बाहर प्रार्थना करते हो तो वो थोड़ा अजीब लगता है। अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो और वो भीतर का कृष्ण सदैव तुम्हारा सारथी है।